महाराष्ट्र में जुलाई के समय एक राजनीतिक तूफान आया था। ये सियासी तूफान एनसीपी में आया और अचानक ऐसी खबरों ने सभी को चौंका कर रख दिया। लेकिन ये सियासी तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके आफ्टर इफेक्ट बार बार देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल दिखाई पड़ रही है। जुलाई का समय आप सभी को याद होगा, जब अजीत पवार के गुट ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर डाली थी और दबे हुए सुरों में इसके संकेत भी दे चुके थे। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में बटी एनसीपी के दोनों गुट लगातार आमने सामने रहे हैं और अब फिर से राजनीति की घड़ी की सुइयां उस स्थान पर पहुंच गई हैं। कहानी फिर से दोहराती हुई दिख रही है और इस कहानी में अब नया प्रकरण भी जुड़ता दिख रहा है। अजीत पवार गुट ने शरद पवार के इस कई विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कमर भी कसती है। असल बात तो ये है कि अजीत पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर कर डाली है और साथ ही एनसीपी के अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से शरद पवार समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है और ये याचिका अभी भी शरद पवार खेमे का समर्थन कर रहे कुछ विधायकों के खिलाफ दायर की गई है। ये कदम शरद पवार खेमे द्वारा अजीत पवार गुट का समर्थन करने वाले लगभग 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद आया है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस याचिका में किन किन नेताओं के नाम दर्ज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत गुट की अयोग्यता याचिका में जयंत पाटिल, जितेंद्र अबाड, रोहित पवार, राजेश टोपे, अनिल देशमुख, संदीप क्षीरसागर, मान सिंह नाइक, प्राजक्ता तनपुरे, रविंद्र भुसारा और बाला साहेब पाटिल भी शामिल हैं। अब बताया जा रहा है कि इस याचिका से नवाब मलिक, सुमन पाटिल, अशोक पवार और चेतन टूपे के नामों को हटा दिया गया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले एनसीपी के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा था कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सबको ये कहकर चौंका दिया था कि पार्टी में कोई भी विभाजन की स्थिति नहीं है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार के बीच कुछ गुप्त बैठकें भी हुई थी और इस बीच शरद की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी एनसीपी में विभाजन की बात से इनकार कर दिया था। इससे लग रहा था कि पार्टी के दोनों नेताओं के बीच सुलह हो चुकी है और कुछ दिन पहले एनसीपी के शरद पवार, अजीत पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। चुनाव आयोग ने अजीत समूह द्वारा दायर याचिका के बाद 6 अक्टूबर को एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी आपको बता देते हैं कि बीते दिनों की बात है, एनसीपी के शरद पवार के गुट और अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि एनसीपी में किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं है और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीती जुलाई में पार्टी संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह करते हुए कई विधायकों के साथ अलग हो गए थे और नया गुट भी बना लिया था। उसके बाद अजीत पवार महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना गठबंधन में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बन गए थे। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं, जिनमें से नवाब मलिक और सुमन पाटिल जैसे विधायक तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं और एनसीपी में 2 जुलाई को तब विभाजन हो गया था जब अजीत पवार और 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। इन 8 विधायकों में छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।